हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आज ये यूपी स्पेशल का जो है चौथा पार्ट है, जो मैंने यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट करवाया था उसी का रिवीजन करवा रहे हैं। आज इसका ये चौथा पार्ट है। जिन्होंने बाकी के तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, आप उसको जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने चौथे पार्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के GKGS से संबंधित है। उत्तर प्रदेश शिल्पकला के बारे में देखते हैं। गुप्त काल में शिल्पकारों ने संगठित होकर दो संस्थाएं बनवाई थी। शिल्पकला से संबंधित है कि गुप्त काल में शिल्पकारों ने संगठित होकर दो संस्थाएं बनवाई थी। एक तो है आपका श्रेणी और दूसरा है निगम। तो ये दोनों श्रेणियां किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं। और किससे संबंधित हैं? तो शिल्पकारों से संबंधित हैं। ठीक है, शिल्पकला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में शिल्पकला का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश में 44% हस्तशिल्प कला का योगदान है। भारत में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से जो है 44% हस्तशिल्प कला का योगदान देता है। अब एक एक करके हम शिल्पकला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाता है कढ़ाई शिल्प। इसके अंतर्गत जो है जरदोजी, सोने व चांदी के धागों से कढ़ाई की जाती है। जरदोजी जो डिजाइन होती है उस पर जो है सोने व चांदी के धागों से कढ़ाई की जाती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बनारसी जरी वस्त्र। बनारसी जरी वस्त्र उभरी हुई कलाकृतियों द्वारा अत्यधिक खूबसूरती से सुसज्जित वस्त्र होते हैं। तो उभरी हुई कलाकृतियों द्वारा अत्यधिक खूबसूरती से सुसज्जित वस्त्र होते हैं। बनारसी जरी वस्त्र को किन खाब भी कहा जाता है? तो पूछ सकता है आपसे कि बनारसी जरी वस्त्र को क्या कहा जाता है, तो किन खाब भी कहा जाता है। चिकनकारी, आप सभी को पता है चिकनकारी के लिए जो है अपना लखनऊ प्रसिद्ध है। तो इससे संबंधित पढ़ लेते हैं चिकनकारी। इसमें फूलों से संबंधित आकृतियां उकेरी जाती हैं। फूलों से संबंधित आकृतियां उकेरी जाती हैं। लखनऊ चिकनकारी की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अब धातुकार यानी मेटल से संबंधित जो चीजें बनाई जाती हैं किस जिले में, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुरादाबाद है, पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। पीतल के काम के लिए आपका मुरादाबाद शहर जाना जाता है। मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी कहा जाता है, तो मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भदोही, मिर्जापुर और खमरिया हाथ से बने गांठ युक्त कारपेट के लिए प्रसिद्ध है। तो गांठ युक्त जो हाथ से बने होते हैं, गांठ युक्त कारपेट के लिए प्रसिद्ध है भदोही, मिर्जापुर और खमरिया। नेक्स्ट है आपका भारत में 90% कारपेट भदोही में तैयार किया जाता है। तो भारत में 90% कारपेट कहाँ से आते हैं? भदोही से। शाहजहांपुर और आगरा सूती वस्त्र, सूती व ऊनी कारपेट के लिए फेमस है। मिर्जापुर आपका है हाथ से बनी दरियां, हाथ से जो दरी बनाई जाती है उसके लिए मिर्जापुर फेमस है। जबकि आपका गाजीपुर जाना जाता है जूट से बनी बाल हैंगिंग के लिए। कानपुर और आगरा चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए जाना जाता है, यानी मिट्टी के बने खिलौने से और प्लास्टिक के लिए भी अब गोरखपुर जाना जाने लगा। हस्त ब्लॉक छपाई ये कहाँ पर होती है? तो ये फर्रुखाबाद हस्त ब्लॉक छपाई के लिए प्रसिद्ध है। कांच का काम जो है कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? तो फिरोजाबाद में कांचों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ उड़ियाँ बनाई जाती हैं। बनारस आपका हो जाता है लकड़ी के खिलौनों के लिए, बनारस फेमस है। खिलौनों पर चमक लाने के लिए रोगन की परत चढ़ाई जाती है। जो खिलौने होते हैं उस पर चमक लाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो रोगन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कन्नौज। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, ये तो सभी को पता है। कन्नौज सबसे बड़ा प्राकृतिक इत्र निर्माता है। कन्नौज में जलीय आसवन नामक प्राचीन विधि से इत्र बनाया जाता है। तो कन्नौज में जो इत्र बनाने की विधि है उसको कहते हैं जलीय आसवन। यह एक प्राचीन विधि है इत्र बनाने की। उत्तर प्रदेश में संगीत,
नृत्य एवं नाट्य कला के बारे में एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम हो, RO AR, UPPSC आदि एग्जाम, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश से संबंधित इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संगीत और नृत्य के विषय। संगीत और नृत्य के विषय पर रचित पुस्तक है नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में रचना की गई है, उत्तर प्रदेश में जो है नाट्य शास्त्र की रचना की गई है, जो संगीत और नृत्य के विषय पर आधारित है। नाट्य शास्त्र की रचयिता किसने की, मतलब इसके रचनाकार कौन है, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में संगीत की परंपरा वैदिक काल से विद्यमान है। उत्तर प्रदेश में संगीत की परंपरा वैदिक काल से विद्यमान है। आप सभी को पता है वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से चारों वेद में से एक वेद है आपका साम वेद, जो संगीत के लिए जाना जाता है, तो साम वेद को संगीत की पुस्तक भी कहते हैं। इसी साम वेद का एक उप वेद है जिसका नाम है गंधर्व वेद, इसे संगीत का विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण बीड़ा के अंगों की चर्चा की गई है, बीड़ा के यानी जो बीड़ा कैसे बनाया जाता है उन सभी के बारे में जो है विस्तृत जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण में बताई गई है। कौशतकीय और जैमिनीय ब्राह्मण में संगीत नृत्य और वाद्य यंत्रों का उल्लेख है। तो संगीत नृत्य और वाद्य यंत्रों का उल्लेख कौशतकीय और जैमिनीय ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट है आपका समुद्रगुप्त को स्वर्ण सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त जो है किस वंश का था, तो यह जो है गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, जीफार गुप्त वंश का शासक कौन था, समुद्रगुप्त, इसको जो है स्वर्ण सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश में संगीत का विकास भक्ति आंदोलन व शाही दरबारों के अंतर्गत हुआ है। उत्तर प्रदेश में संगीत को संरक्षण देने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में संगीत को संरक्षण देने वाले क्षेत्र हैं आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, लखनऊ, अयोध्या, बांदा, वाराणसी, दंतिया। ठीक है, ये सभी जगह जो है संगीत को संरक्षण देने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका बल्लभाचार्य ने मंदिरों में भजन गायन की परंपरा शुरू की। तो मंदिरों में जो है भजन गायन की परंपरा का शुरुआत किसने करी थी, तो बल्लभाचार्य जी ने करे थे, और इनके पुत्र बल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। इन्होंने जो है अष्टछाप नाम से कवियों का समूह बनाया जो अच्छे संगीतकार थे। तो अष्टछाप की रचना किसने करी थी, विट्ठलनाथ जी। इसमें जो है 8 कवियों का समूह था जो अच्छे संगीतकार थे। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत, तो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय संगीत के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल स्रोत अगर जाना जाए तो नाट्य शास्त्र से हुआ है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल स्रोत है नाट्य शास्त्र। भारतीय संगीत की 2 शाखाएं हैं, एक तो हो जाता है आपका उत्तर भारत में है जिसको कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, और दक्षिण भारत में है कर्नाटक संगीत पद्धति। तो ये भारतीय संगीत की 2 शाखाएं हैं। इसमें जो है हिंदुस्तानी संगीत संगीत पद्धति के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शाखा प्रचलित है। तो उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शाखा प्रचलित है। शास्त्रीय संगीत के बारे में देखते हैं, तो ये प्राकृतिक स्वर सप्तक सिद्धांत का पालन करती है। तो शास्त्रीय संगीत जो है शास्त्रीय संगीत की जो हिंदुस्तानी शाखा है यह प्राकृतिक स्वर सप्तक सिद्धांत का पालन करती है। इस शाखा की 10 मुख्य विधाएं हैं, कौन कौन सी हैं ये 10 मुख्य विधाएं, तो ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, घमर, होरी, टप्पा, चतुरंग, रस सागर और सरगम। ये 10 मुख्य विधाएं हैं किसकी, तो हिंदुस्तानी शाखा की। ठीक है, अब नेक्स्ट है ध्रुपद के बारे में देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न बने हैं बार बार, उन्हीं को मैं बता दे रहा हूँ। तो तंबूरे और पखावज वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके ध्रुपद बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है इसकी उत्पत्ति मंदिर में हुई है,
तो इसकी उत्पत्ति, ध्रुपद की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो यह मंदिरों में इसकी उत्पत्ति की गई है। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद शैली को संरक्षण प्राप्त था, यानी ध्रुपद शैली को किसके काल में संरक्षण दिया गया था? तो अकबर के काल में। अकबर के शासनकाल में तीन श्रेष्ठ ध्रुपद गायक थे, तो चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, तीन नाम ये रहेगा, एक दूसरा नाम कोई और क्षेत्र से संबंधित रहेगा उसका नाम दे दिया जाएगा और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो अकबर के शासनकाल में तीन श्रेष्ठ ध्रुपद गायक कौन कौन से थे? तो पहले थे तानसेन, दूसरा बाबा गोपाल दास और तीसरे थे स्वामी हरिदास। ये तीनों व्यक्ति संबंधित थे ध्रुपद गायन से। नेक्स्ट है आपका बैजू बावरा इसी काल के थे, तो बैजू बावरा किस काल के थे? तो अकबर के शासनकाल के समय बैजू बावरा भी थे। ध्रुपद ध्रुपद का डांगरी घराना, ध्रुपद का डांगरी घराना उत्तर प्रदेश व बिहार से संबंधित है। तो डांगरी घराना को देख लेते हैं। गुंडेजा बंधु एवं ऋत्विक सान्याल ने इस घराने में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो डांगरी घराना जो ध्रुपद से संबंधित था, इसमें जो है गुंडेजा बंधु और ऋत्विक सान्याल इस घराने से संबंधित थे। और ये दोनों भाई किस जिले से संबंधित थे? तो वाराणसी से संबंधित थे। ठीक है, वी से हो जाएगा आपका वाराणसी। नेक्स्ट है आपका ख्याल। ख्याल के बारे में देख लेते हैं। तो ख्याल शैली की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। तो ख्याल शैली की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। ख्याल की रचनाएं बंदिश कहलाती हैं। तो ख्याल शैली की जो रचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बंदिश कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में किराना और आगरा घराना ख्याल गायन से संबंधित हैं। तो ख्याल गायन से दो घराने संबंधित हैं, एक तो किराना और दूसरा आगरा घराना। तराना के बारे में देख लेते हैं। तराना शैली का विकास अमीर खुसरो के प्रयासों से ही हुआ था। तो अमीर खुसरो के प्रयासों से तराना हुआ था और इसके बाद ख्याल का भी जो है उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। मेवाती घराना जो है इसमें पंडित रतन मोहन शर्मा एक प्रसिद्ध तराना गायक हैं। ठीक है, तो पंडित रतन मोहन शर्मा का संबंध किस घराने से है? तो मेवाती घराने से है, जो संबंधित है किससे? तो तराना शैली से संबंधित है। इसके बाद है ठुमरी। ठुमरी गायन शैली है। ठुमरी क्या है? तो यह एक गायन शैली है। इसका जन्म वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था, जो कि अवध के नवाब थे। अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें बनाई गई हैं। तो अख्तर पिया के नाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें बनाई गई हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वाजिद अली शाह के दरबार में महान संगीतज्ञ बिंदा दीन महाराज ने कत्थक नृत्य में ठुमरी का समावेशन किया। तो कत्थक का ठुमरी के साथ समावेशन किसने किया था? बिंदा दीन महाराज ने। उत्तर प्रदेश में ठुमरी के दो घराने फेमस हैं। तो उत्तर प्रदेश में ठुमरी के दो घराने कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका बनारस घराना है, दूसरा आपका लखनऊ घराना है। नेक्स्ट आपका बेगम अख्तर या अख्तरी बाई फैजाबादी ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका थी। तो ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका कौन थी? बेगम अख्तर, या इन्हीं का नाम था अख्तरी बाई फैजाबादी। अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अमीर खुसरो को अलग से मैं पढ़ लेता हूँ हम सभी। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज, जो कि पटियाली गांव में है उत्तर प्रदेश में। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में। इनका वास्तविक नाम था, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो इनका वास्तविक नाम था और इनके गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनके गुरु थे। हिंदुस्तानी शैली के जनक अगर माना जाता है तो वह अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने ही सितार का आविष्कार, वैसे ढोलक और हारमोनिया इन सभी का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया था, लेकिन प्रश्न जहाँ से बनता है उसको सिर्फ बता रहे हैं। तो हिंदुस्तानी शैली के जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है, जिन्होंने सितार का आविष्कार किया था। सितार का निर्माण अमीर खुसरो ने किस चीज़ से किया था? तो तंबूरा और वीणा के मिश्रण से अमीर खुसरो ने सितार को बनाया था। अमीर खुसरो को जो है संगीत में अच्छी पकड़ होने के कारण इन्हें
तूती ए हिंद भी कहा जाता था। ठीक है, तो अमीर खुसरो को तूती ए हिंद इसलिए कहा जाता था क्योंकि संगीत के क्षेत्र में वो बहुत ही आगे बढ़ चुके थे। नेक्स्ट है, भारत में गजल का प्रतिपादक, भारत में गजल का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो अभी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। उर्दू साहित्य व खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। तो उर्दू साहित्य और खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो की रचनाएं देख लेते हैं, तो नूह सिपीहर, मिफत उल फतूह, किरान उस सादेन, आइन ए सिकंदरी, खजायन उल फतूह और तुगलक नामा, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक बार फिर से बता दें, नूह सिपीहर, मिफत उल फतूह, किराना उस सादेन, आइन ए सिकंदरी, खजायन उल फतूह और तुगलक नामा, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य व संगीत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संगीत के बारे में पढ़ लेते हैं, लोक संगीत के बारे में। तो सबसे पहले कजरी को देखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रावण मास में गाया जाने वाला लोकगीत है कजरी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर क्षेत्र से या फिर पूर्वांचल क्षेत्र से कजरी की उत्पत्ति मानी जाती है। कजरी में प्रधानता होती है, तो किसकी प्रधानता होती है, किस रस की? तो सिंगार रस की प्रधानता होती है किसमें? कजरी में। नेक्स्ट है आपका, स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी को ढुल मुनिया कजरी कहते हैं। तो ढुल मुनिया कजरी किसे कहते हैं? जब स्त्रियां समूह में कजरी को गाना गाती हैं, कजरी को गाती हैं, तो उसी को ढुल मुनिया कजरी कहते हैं। रसिया को देख लेते हैं, यह ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक संगीत है। तो ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक संगीत है रसिया। इसका विषय है राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। ब्रज क्षेत्र में रसिया गीत मुख्यतः होली के समय गाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बिरहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है बिरहा। यह जो है स्पेशली अहिर समुदाय द्वारा गाया जाता है। तो अहिर समुदाय द्वारा स्पेशली कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिरहा। बिरहा के प्रथम गायक कौन है? तो यह बिहारी यादव हैं। नेक्स्ट है आपका फाग। फाग के बारे में देख लेते हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह जो है प्रचलित है। इसके बाद होली उत्सव पर गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोहर। सोहर लोकगीत कब गाया जाता है? जब किसी के घर में बच्चों की जन्म होती है तो उसी समय सोहर गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है आपका आल्हा। आल्हा स्पेशली जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। और इसकी शुरुआत अगर मानी जाए तो आल्हा की शुरुआत होती है महोबा जिले से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत हैं, जैसे आपका लोक संगीत है, जैसे आपका इसुरा भाग, कहरवा, नकटा, रागनी व ढोला। तो इन सभी जो है, ये सभी लोक संगीत कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं। इसुरा भाग जो है स्पेशली बुंदेलखंड से संबंधित है, नकटा जो है अवध क्षेत्र से संबंधित है, और रागनी व ढोला यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के नृत्य के बारे में देख लेते हैं, तो कथक, इसकी शुरुआत जो है कथक की शुरुआत ब्रजभूमि की रासलीला से हुआ है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यह कथक है। आप सभी को पता है कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक। ये आप याद रखेंगे। लखनऊ व बनारस घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। लखनऊ व बनारस घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कथक के लिए, या फिर कथक जो है कथक के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो लखनऊ व बनारस। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। कथक कलाकार, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कथक के कौन से कलाकार हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और रमा देवी। याद करने में आसानी है, बिरजू लच्छू, बिरजू लच्छू, सितारा रमा, ऐसे याद करेंगे एक सांस में तो चारों याद हो जाएगा जो कि कथक के कलाकार हैं। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। लोक संगीत के बारे में देख लिया था, अब लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। तो इसमें डिटेल में देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ याद रखना कि उत्तर प्रदेश के स्पेशली लोक नृत्य 4 हैं। चरकुला, या इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। दूसरा है आपका मयूर,
तीसरा है आपका रास और चौथा है आपका झूला। तो चरकुला, मयूर, रास, झूला, ठीक है। इस प्रकार से कोई आगे पीछे की ट्रिक बना लेंगे तो याद हो जाएगा। चरकुला, झूला, मयूर, रास, रास, मयूर, चरकुला, झूला, ऐसे करेंगे तो चारों याद हो जाएगा एक ही बार में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में नाट्य कला। नाट्य कला के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शास्त्रीय नाटक। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है या किसी से मानी जाती है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा मानी जाती है। तो उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नाटक की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभकर्ता कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम था बाबू गोपाल दास। इन्हीं के द्वारा जो है नहुष नाटक लिखा गया था। तो नहुष नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? बापू बापू बाबू गोपाल चंद्र, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। वर्ष 1843 में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा राधा कन्हैया का किस्सा शुरू किया गया। तो राधा कन्हैया का किस्सा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा। नेक्स्ट है आपका सैयद आना हसन लखनवी। इन्होंने इंद्र सभा नाटक बनाया था। मतलब इंद्र सभा नाटक की शुरुआत किसने करी थी? तो सैयद आना हसन लखनवी ने करी थी। आधुनिक शैली में प्रदर्शित पहला नाटक, आधुनिक शैली में प्रदर्शित पहला नाटक कौन सा है? तो इसका नाम है जानकी मंगल, ठीक है। तो जानकी मंगल यह जो है आधुनिक शैली में प्रदर्शित पहला नाटक है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं शीतल प्रसाद त्रिपाठी जी। और इसकी रचना कब की गई थी? तो 1863 में। तो जानकी मंगल की रचना कब की गई थी? 1863 में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो शीतल प्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा। तो अब हम देखेंगे लोक नाट्य के बारे में। अभी तक हमने देखा था नाट्य कला के बारे में, अब हम पढ़ लेंगे लोक नाट्य के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में अपने मौलिक लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश अपने मौलिक लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोक नाट्य कौन कौन से हैं? तो महत्वपूर्ण आपका जो है वही लिख के रखे हैं, नौटंकी, रामलीला, रासलीला, गुलाबो सिताबो, नगर भाषा, भर्तहरि, स्वांग सपेरा, रावला, ख्याल, भगत विदेशिया। ये कुछ उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाटक हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ा देते हैं। बाकी के ऊपर के सभी ये आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। वैसे याद तो रखना नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं, इतना याद तो रख नहीं पाएंगे। बस इनमें से इम्पोर्टेंट जो है मैंने उनके बारे में एक्सप्लेन से बता दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे रामलीला जी, रामलीला के बारे में। तो रामलीला जो है भगवान राम के जीवन पर आधारित है। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ था रामलीला कब? 2008 में। 2008 में अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ था रामलीला। और वर्तमान में जो है अमूर्त धरोहर में शामिल होने वाली, भारत की विश्व धरोहर में शामिल होने वाली कितनी विरासत है? तो 15 है, ठीक है। 15 चीजें ऐसी हैं भारत की जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट है आपका रासलीला। यह जो है भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। नौटंकी को अगर देखा जाए तो नौटंकी की दो प्रमुख शैलियां हैं, नौटंकी की दो प्रमुख शैलियां हैं। एक तो आपका हाथरसी है, दूसरा आपका कानपुरी है। नेक्स्ट आपका नौटंकी स्वाग की एक शाखा है। तो स्वाग की एक शाखा कौन सी है? तो यह नौटंकी है। नेक्स्ट है आपका राहुला। यह बुंदेलखंड का एक लोक नाटक है। इस यह जो है किस विषय पर आधारित है? तो राहुला जो है शिक्षा प्रद कहानियों पर आधारित है, यानी जो शिक्षा से संबंधित कहानियां होती हैं उसका उस विषय पर जो है राहुला लोक नृत्य लोक नाटक बनाया जाता है। ख्याल जो है इसके लिए कौन सा विषय है? तो पौराणिक कथाएं। अगर इस पर जो है कोई नाटक करता है तो वह ख्याल होता है, जिसमें पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है। नाटक करने वाले सारे कलाकारों को जो है सारे कलाकार पुरुष होते हैं। तो ख्याल नाटक जो करते हैं कलाकार वो पुरुष होते हैं, उसमें महिला नहीं होती है। और जो है ख्याल जो है किस पर आधारित होता है? तो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। नकल है यानी जो नकल पर आधारित होता है।
तो उसे नकल लोकनाट्य कहते हैं। इसमें जो है प्रदर्शन करने वाले कलाकार को बहरूपिया या नकलची कहलाते हैं। तो बहरूपिया और नकलची किस लोकनाट्य से संबंधित है? तो नकल से संबंधित है। स्वाग जो है इसमें नकल व नाटक के साथ गायन भी शामिल किया जाता है। तो स्वाग में जो है नकल होता है और नाटक के साथ साथ इसमें गायन भी किया जाता है। इसकी दो शैलियां हैं, स्वाग की दो शैलियां हैं। एक तो है आपका रोहतक और दूसरा है आपका हाथरस। तो स्टूडेंट इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो जीके से संबंधित टॉपिक थी 20 से 22 मिनट में ये कंप्लीट कर लिया। कल की जो वीडियो रहेगी वो उससे तो 101% एक ना दो क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा, क्योंकि मुझे इतना बिलीव नहीं बिलीव है, अगर आप देखोगे तो आपको खुद बिलीव हो जाएगा हाँ इस टॉपिक से जो है प्रश्न जरूर बनने वाला है। ठीक है, तो कल का लास्ट टॉपिक रहेगा। और इस प्रकार से हमने कहा था कि 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, लेकिन वीडियो बड़ी बन जाती है तो आप लोग ज़्यादा देखते भी नहीं है, और छोटी रहेगी तो आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। और आप सभी को ये PDF मैं एक साथ सभी टॉपिक के पांचों PDF जो है एक ही साथ में दे दूंगा। ठीक है, पांचों क्लास के PDF। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे। बस हमारे साथ बने रहें। आप सभी के माता पिता को, भाई बहन को मेरा जय हिंद जय भारत।